भाई सब भी सुबह के 8 बज रहे, लेकिन सुबह सुबह 8 बजे उठा आज मैं। एक और बात अच्छी होगी, दूध वाले भैया भी दिख और होगी, दूध वाले भैया भी दिख जाते। सुबह सुबह जल्दी उठ रहे हैं का एक फायदा हो गया है, तो माता रानी के भजन गाने में पड़ जाते। तो अभी सुबह के 8 बज रहे, तो अभी उठा ही मैं। नींद तो मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी, उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अभी चल मैं कहीं रूटीन बनी है तो बनी रहे, तो उठ गया मैं। तो आज सुबह के 8 बजे पूरे उठा, ना घड़ी का कांटा ऊपर से नीचे था, पूरे 8 बजे उठा मैं। ऐसा ही अलार्म लगाया, कुछ लगाया, पता नहीं कैसे आंख खुल गई। बस जब मेरी हल्की ऐसी आंख खुली, मेरी घड़ी बिल्कुल सामने थी, मैंने देखा 8 बज गए, तब तुरंत ही उठ गया। तो नींद इतनी ज़्यादा जोरों से आई थी, मैंने कहा चल सो ही जाऊँ यार, अभी नींद आ रही। लेकिन मैंने कहा चल नहीं, अभी नहीं उठना, तो उठना ही, अभी 8 बज गए। तो उठने का फ़ायदा भी अच्छा है, अच्छा मौसम में सुबह 8 बजे ऊपर आओ तो माता रानी के भजन भी कान पड़ जाते। जब पहले मैं आता था 10 बजे, 10:30, 9:30 बजे, तो माता रानी के मंदिर के भजन कान में नहीं पड़ते थे। सो जाता था ना, अगर मैं सो जाता टाइम देख के, तो गई थी तो फिर तो मैंने 9:30, 10:30 उठना था। इंसान हौली हौली अपनी अच्छा है ना, इंसान हौली हौली अपनी आदतों को सुधारता है। तो हम भी सुधरेंगे हौली हौली, हम भी सुधारेंगे, छेती उठेंगे, अभी छेती उठे हैं। मौसम की बात करूँ पंजाब की, मौसम ठीक है, अच्छा है। सुबह शाम की ठंड रहती थोड़ी थोड़ी, तो ठीक रहता है। वो काम करो कुछ करो फिर गर्मी लगती है, वैसे गर्मी लगती पंखे थले बैठे रहो फिर गर्मी नहीं लगती। तो ठीक है गाइस, नीचे चलते मुँह धोते ब्रश करते। सोच रहा हूँ सुबह सुबह ये भी आते डालूँ, सुबह सुबह वॉक करेंगे, योग करेंगे, योग वगैरह करेंगे सुबह यहाँ पे मैट बिछा के। मेरे आज क्या बन रहा है खाने में, कोई दाल के परौंठे बन रहे हैं, वो नहीं है इस पर नमक तेज पड़ गया दाल में, तो परौंठे बना दिए। ऐसा नहीं है दाल के परौंठे थे उसमें नमक तेज पड़ गया रात को, नहीं गाइस उसमें नमक तेज नहीं था, दाल बिल्कुल ठीक थी। तो वैसे मन किया दाल के परौंठे खाने का, मैं कहा वही बना लो, वो अच्छे बने थे। तो मैं कहा चल दूसरी ये दाल बनी रात को इसके बना ले, आप भी बना के देना रात, सुबह उसके आटा गूंद के परौंठे बना के देना, बहुत अच्छे बनते गाइस, खा के देखना। सुबह के 10:30 हो रहे हैं, तो बना मैं करने वाला नाश्ता, तो दाल के परौंठे और सोयाबीन की बड़ी है ये खाऊंगा। बड़ी इसलिए बनानी दाल के परौंठे बना लिए, तो मैंने बड़ी बैंक वाले से बड़ी बना लेना, तो हमने बड़ी बनानी सुबह। ऐसा नहीं दाल बिल्कुल खत्म, दाल रखी है, पर पापा बड़ी के साथ खाने से पापा को दिक्कत थी खाने में बड़ी के साथ, तो बड़ी वो देखना मोटी मोटी है, तो पापा को खाने में चबाने में दिक्कत आती है, तो पापा के लिए दाल रख दी हमने लल्ली के लिए, मैंने भी खानी बड़ी तो लल्ली के लिए। ठीक है ये सभी, पापा का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तो ये पापा कह पापा की दाल और दाल की परौंठी, तो पापा यही खाएंगे, पापा को यही जमता है। ठीक है सभी, आज एतवार का दिन है, तो अभी लल्ली कह रही मैंने जाना है। गाइस अभी फिर हम लोग इस पतले रास्ते से निकलने वाले हैं, ये देखो कितना पतला रास्ता है गाइस, शिवलिंग कितना बड़ा है। गाइस अभी मैं घर पे आ गया हूँ, कुछ काम गया था बाहर, तो घर पे आ गया अभी मैं। तो टाइम की बात करूँ तो मैं 2:30 बजे आ गया था घर, तो पापा को भी लंच भी दिया, अभी 3 बज रहे हैं, तो मैंने किया नहीं, अभी मैं करने वाला हूँ अपना लंच। मैं डोसे खाने वाला हूँ आज फिर दोबारा से मेरा अपना ये खाने वाला हूँ लंच में, डोसे खाऊंगा, तो खाना भी बना नहीं था पापा। वो बादल कितना अच्छा लग रहा है गाइस देखो। तो गाइस अभी शाम के 5 बज रहे, तो मैं सो गया था 4 बजे, तो 1 घंटा रेस्ट की आराम किया तो उठ गया। आज गया था रिश्तेदारों के कुछ रिलेटिव्स थे उनके घर पे गया था, तो उनसे मिलना था, तो उनसे मिला मुला वहाँ पे बच्चे वगैरह शोर वगैरह मचा रहे हैं सभी, तो मैंने कहा यार अब यहाँ पे कैसे शूट करूँ, मैंने कहा यहाँ पे क्या शूट करूँ यार, बच्चे तो उनके काफ़ी शोर मचा रहे थे, तो बातें चल रही थी घर वालों की, तो इस वजह से ज़्यादा शूट भी नहीं मैं कर पाया। तो अभी ऊपर आया हूँ, मैं सोच रहा हूँ 10 मिनट की वॉक कर लूँ। गाइस अभी मेरी पूरी 10 मिनट की वॉक हो गई है, तो चलते नीचे शाम को कर लो ना वॉक 10 मिनट की, अच्छा लगता है बॉडी को भी, तो बढ़िया है करनी चाहिए हर शाम को वॉक।
अभी घर में राजमा चावल बन रहे हैं, इधर राजमा है तो इधर चावल है, अभी बने नहीं है, दोनों बन रहे हैं। डिनर यही रहेगा राजमा चावल, फिर मैं डिनर करता हूँ तो राजमा चावल है, यही है, यही खाते हैं। तो ठीक है गाइस, अभी रात के 9:30 हो रहे हैं, तो हम इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। मैंने अपन डिनर कर लिया, पापा ने अपन डिनर कर लिया है, तो इस ब्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।